न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व है और सभी दीपावली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी अपने घरों को सजाने के लिए बाजारों में जा रहे हैं। बाजारों में खूब रौनक जो है देखने को मिल रही है और उसके अलावा पूजा अर्चना करने के लिए भी लोग शॉपिंग करने के लिए दिवाली के पर्व पर अपने घरों से निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है दीपावली के लिए वो होता है मिट्टी का दिया। जी हाँ, जिसको कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता। जब 14 वर्ष का वनवास काटकर प्रभु श्री राम और सीता माता लक्ष्मण जब अयोध्या वापस आए थे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके, तब भी आपने देखा था कि अयोध्या को दीपक से किस तरीके से खूबसूरती के साथ पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। तभी से ये प्रचलन में है कि दीपावली पर मिट्टी का दिया जलाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो सभी घरों में दीपक जलाया जाता है, लेकिन थोड़ी सी लाइट आने के बाद थोड़ी सी उसकी जो प्रचलन है उसमें कमी जरूर आई है। तो इसी के लिए आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी के दिए का सफर क्या है। तो चलिए अब चलते हैं और मिट्टी के जो दिए का सफर है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सूखी मिट्टी बिछी हुई है, सबसे पहले जो दिए के सफर की शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले जो ये मिट्टी है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सूखी जो मिट्टी है इसको पहले धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद इसको छाना जाता है और छानने के बाद ये जो इसमें आप छोटे छोटे कंक्रीट देख रहे हैं इसको बाहर निकाला जाता है। क्योंकि देखिए, उसके बाद ही जो ये मिट्टी है ये दीपक बनाने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि देखिए, जब तक चिकनी मिट्टी नहीं होगी तब तक दीपक बनकर तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो इस मिट्टी से होकर ही गुजरता है, तभी मिट्टी का दिया बनता है। तो आइए और जानते हैं, कुम्हारों के मोहल्ले में आज हम पहुंचे हैं, हमारी जो टीम है वो पहुंची है और आपको बताएंगे कि दीपावली पर जो भी मिट्टी के दिए आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए, घरों को रोशन करने के लिए जिन मिट्टी के दियों का इस्तेमाल होता है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो बनते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आपको लेकर चलती हूँ, यहाँ पर बाबूजी बैठे हैं, एक भैया भी बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो दीपावली के पर्व पर मिट्टी के जो दिए बनाए जा रहे हैं इसका देखिए अपना एक विशेष महत्व है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी बाबूजी, मिट्टी के दिए बना रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि सुबह से शाम तक आप कितने मिट्टी के दिए बना लेते हैं? 2,500 दिए बनाते हैं। 2,500 बना लेते हैं। अब दीपावली का पर्व है तो ज्यादा आपको दिए बनाने का ऑर्डर मिलता है? हाँ जी, दिवाली पे मिलता है जी। और ये मिट्टी के दिए के अलावा भी और कुछ बनाते हैं आप मिट्टी से? हाँ जी, करवे बनाते हैं ये व्रत के लिए जी, और ये छोटे छोटे कमोई बनाते हैं जी, बड़े दीवे छोटे दीवे सब बनाते हैं, मिट्टी का सारा दिवाली का आइटम बनाते हैं। अच्छा, तो अभी सबसे पहली जो चीज़ ये है कि ये एक बदलती हुई चीज़ है, जो आप सभी जानते हैं कि पहले चाक का इस्तेमाल हुआ करता था बहुत सालों पहले ना, अब ये मोटर का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा दिए बना लेते होंगे ना? हाँ, अब ज्यादा बनते हैं। तो अभी दीपावली का पर्व है, दीपावली के पर्व पर ज्यादा आपके पास ऑर्डर आते हैं और ज्यादा आप कहाँ पर दियों को सेल करते हैं? यहीं पे आ जाते हैं हमारे लेने के लिए। और एक बार आप इसका प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरीके से आप ये मिट्टी का जो दिया है ये बनकर तैयार होता है? ये पहले तो क्या नाम मिट्टी सुखाई जाती है, फिर क्या नाम है सुखाने के बाद जी। उसमें क्या ड्रम में डाली जाती है, जब अच्छी तरह गल जाती है तो उसको निकाला जाता है, फिर छनी और मिट्टी के साथ उसको जी। मिक्स किया जाता है जी। मिक्स करने के बाद थोड़ी टाइट होती है और जब ऐसे लगा देते हैं हम जी। अच्छा, तो ये जो पीछे मिट्टी दिख रही है आप इस तरीके से बनाते हो, फिर इसको ये जो चाक पर लगा के फिर आप दिए बनाते हो। तो दिए के अलावा और क्या क्या चीजें बनती है? करवे, कमोई, दिवाली का जो मिट्टी का आइटम सारा बनाते हैं। तो फिर अभी एक जो दिए की कीमत होगी वो क्या, एक दिए की कीमत होगी? 70 पैसे। 70 पैसे, तो पहले के मुकाबले मतलब आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस मिल रहा है या फिर अभी आपको लगता है कि कम ही है? हाँ, थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा बढ़ गया है, दिवाली पे थोड़ा बढ़ जाता है स्टॉक के मारे। तो मतलब आप स्टॉक देते हो पूरा ना, जिसको भी आप ये पूरा स्टॉक जाता है, तो पूरा स्टॉक का क्या कुछ पड़ता है आपके, कितने दियो का, फिर आप कितने हिसाब से पैसे लेते हैं? हमारे पास तो ऐसे आती रिटेल वाले क्या नाम है, जो कोई 5,000 ले जाता है, कोई 10,000 ले जाता है, कोई 20,000 ले जाता है। अच्छा बाबूजी, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, आप इतने सालों से दिए बनाने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब दीपावली का पर्व आता है तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज लाइटें हैं उसके आने से भी काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि घरों में सब लोग चाइनीज लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले भगवान श्री राम की जब हम बात करते हैं तब से दीपावली का जो पर्व मनाया जा रहा है, और ये जो अभी इतने साल बीते हैं इसमें आपको क्या लगता है कि जो मिट्टी के दिए लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो खरीदने में कमी आई है या फिर उतना ही पहले से लोग खरीद रहे हैं? ज्यादा होने लग गया इस्तेमाल, ज्यादा होने लग गया, ज्यादा होने लग गया। तो मतलब लोग खरीदते हैं, वो प्रचलन जो शुरू से चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करते हैं लोग। राम मंदिर की वजह से जी, मोदी जी की वजह से जो है दीवे का जो है उठाव ज्यादा है जी।
तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी इसको प्रचलन में यूज करते हैं, मतलब अपनी दीपावली के लिए लोग दियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब सब चीज सब जगह इस्तेमाल करते हैं दीवे का, तो मंदिरों में भी और वैसे दिवाली पे भी, पूजा पाठ में सब में। तो देखिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से दीपावली पर यानी कि दिवाली पर किस तरीके से दिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ बाबूजी मौजूद थे और उसके अलावा जो भाई थे उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से चाक का इस्तेमाल होता है और दिए बनाए जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये दिए बनाए जा रहे हैं। देखिए ये जो मिट्टी है इसका इस्तेमाल किया जाता है और देखिए आप किस तरीके से ये मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को चाक पर रखकर फिर उसको कोमलता के साथ उस मिट्टी को फिर उसके बाद जो दिया तैयार होता है। तो आप ये देखिए ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। पहले इसको हम जिस तरीके से आटा गूंदते हैं उस तरीके से इस चिकनी मिट्टी को गूंदा जाता है। आप ये भी बताइए कि ये जो चिकनी मिट्टी है ये कहाँ से लेकर आते हैं आप? ये आती है पासौर गाँव से। पासौर गाँव से? ये गाँव कहाँ पर है? झज्जर के पास। तो यानी कि झज्जर में काफी ये जो मिट्टी है ये झज्जर में ज्यादा मिलती है? हाँ वहीं से आती है। हाँ तो आप एक बार प्रोसेस बताइए कि मिट्टी का ये दिए बनाने का एक बार फिर से आप प्रोसेस बताइए कि क्या कुछ प्रोसेस है पूरा। 7,000 रुपए की जैसे ट्रॉली आती है बाहर गिरती है जी। ठीक है फिर इसको ढोते हैं हम जी। ठीक है ढोने के बाद क्या नाम है ये सुखाई जाती है जी। सुखाने के बाद ड्रम में डाल ली जाती है वैसे जैसे ये मम्मी निकाट रही है ऐसे निकलेगी। ठीक है फिर सुखाई जाती है एक दिन की मतलब थोड़ा घाव लगेगा तो सूखेगी। सूखने के बाद जो चुन्नी होती है मतलब चुन्नी बोलते हैं जैसा मतलब हाँ मिट्टी को छाना जाता है उसको मिक्स करके गूंदते हैं। गूंदने के बाद इसको ऐसे लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद आप ये जो जिस तरीके से दिए बना रहे हैं ये दिए बनने के बाद इसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में अक्सर लाल कलर के दिए होते हैं तो क्या उन्हें कलर किया जाता है? जी कलर किया जाता है लाल कलर। तो ये दिए बनाने के बाद का क्या प्रोसेस है फिर? ये जो आपने अभी कच्ची मिट्टी के दिए बनाए हैं मतलब ये मिट्टी के दिए अब सूखेंगे उसके बाद क्या प्रोसेस है? फिर सूखे के बाद ये भट्टी में पकाए जाएंगे। अच्छा तो भट्टी में पकाए जाते हैं उसके बाद ये दिया बनकर तैयार होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए आपको पूरा प्रक्रिया दिखाई है फिलहाल किस तरीके से वो मिट्टी को मतलब मिट्टी को गूंदते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हम घरों में आटा गूंदते हैं उस तरीके से मिट्टी को गूंदते हुए नजर आ रहे हैं। और बाबूजी ने देखो बताया बाबूजी से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ पूरा प्रोसेस है एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि ये प्रक्रिया क्या है पूरी कैसे आप मिट्टी के दिए बनाते हैं? अरे मिट्टी के दिए यही बनाते हैं जी पूजा पाठ के लिए जो है मंदिरों में चलते हैं पूजा पाठ में चलते हैं इसलिए यही बनाते हैं। और दीवा किस काम आता है? और जो बड़े दिए बनाए जाते हैं उसको जिसको सराई कहा जाता है उसका भी इस्तेमाल दीपावली पे होता उसका है? भी उसका दिवाली पे ही होता है या किसी पूजा पाठ में होता है वैसे जैसे कोई ब्याह शादी हो जैसे कोई फंक्शन मोटा हो तो उसमें बड़ा दीवा रखा जाता है जो तेल ज्यादा आ जाए पूरी रात जलता हो जी। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि क्या कुछ इस मिट्टी के दिए का सफर है ये मिट्टी का दिया किस तरीके से तैयार किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुम्हारों के मोहल्ले में हैं हम और देखिए उनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ होता है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए जिस भी मिट्टी की चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जो प्रचलन जो चला रहा है जो उनको बनाते हैं आज हम उन्हीं के साथ उन्हीं के मोहल्ले में आए हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ मिट्टी के दिए का सफर है। तो अभी हमने आपको बताया कि मिट्टी के दिए का सफर कैसा रहा कैसे मिट्टी का दिया बनाया जाता है लेकिन एक बार आपको भौगोलिक स्थिति बता देती हूँ कि किस तरीके से क्यों कौन कौन सी चीजों को मिलाकर वो दिया बनता है क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहती है एक बार वो भी जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मिट्टी के जो दिए हैं ये बने हुए रखे हैं। इससे पहले जब हम आपको दिखाया मिट्टी के दिए किस प्रकार से बनाए जा रहे थे चाक पर रखकर जो मोटर से इस्तेमाल की जाती है वो चाक उस पर मिट्टी रखने के बाद मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। अब ये माता जी हमारे साथ हैं इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता जी अब क्या कर रही हैं। मैं मिट्टी कल के लिए तैयार कर रही हूँ। तो कल के लिए मिट्टी तैयार कर रही है? हाँ तो ये मतलब ये आप मिट्टी जो सूखी मिट्टी होती है वो इसके अंदर डाली जाती है? हाँ इसके अंदर डाली जाती है सुखा के। सुखा के तो सुखाने का जो प्रोसेस है वो भैया ने भी बताया कि उसको सुखा कर छलनी से छान कर जो कंक्रीट होते हैं वो अलग करने के बाद ये मिट्टी को पकाते हैं। हाँ बनाते हैं। तो इसमें क्या पानी मिक्स करके आप इसको मतलब पहले पानी डाल के फिर सूखी मिट्टी डालते हैं? अच्छा पानी डाल के फिर सूखी मिट्टी डालते हैं फिर उसके बाद ये तैयार हो जाती है? हाँ। तो कितने डाल देती है? जी आज निकाल रहे हैं। तो कितने घंटे तैयार हो जाएगी? जी कल तैयार हो जाएगी। ये कल तैयार हो जाएगी। कितना मतलब जो इसका मिट्टी को आप भिगो के रखते हो मतलब कितने घंटों तक ये भीगी रहनी चाहिए? सूखी होगी तो ये 2 घंटे में भीग जाएगी जी। हाँ उसके अलावा फिर ये खराब होगी? अच्छा खराब होगी। हाँ। मतलब कि ज्यादा नहीं भिगोना चाहिए इसको? नहीं नहीं अगर ये थोड़ी गिल्ली रहेगी तो फिर ये सूखेगी नहीं भीगेगी। अच्छा अच्छा ओके। तो अभी आप मिट्टी को बाहर निकाल रहे हैं इसका मतलब फिर से इसको आटे की तरह गूंदा जाएगा? हाँ और उसके बाद फिर से दिए बनने चाक पर जाएगी वो मिट्टी। हाँ, और फिर दिए बनने स्टार्ट होंगे दिए।
तो देखिए हमने आपको दिखाया, ये वही मिट्टी है जिसको सबसे पहले सुखाया जाता है, उसके बाद दिए की जो प्रक्रिया है बनने की वो कैसे शुरू होती है वो एक बार आपको बता दूं। ये मिट्टी जो है इसको सुखाने के बाद जिस तरीके से माताजी ने भी बताया कि ये जो ड्रम बना हुआ है इसके अंदर पानी होता है, पानी के अंदर इस मिट्टी को डाला जाता है, उसके बाद मिट्टी जब भीगती है उसके बाद उसको फिर से गूंदा जाता है सुखाने के बाद, उसके बाद ही वो चाक पर जाके जो कोमल कोमल दिए आपने देखे जिस तरीके से हमारे कुमार भाई बना रहे थे वो दिए, फिर उसके बाद उस प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया के बाद वो दिए जो है बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि मिट्टी के दिए किस तरीके से बनाए जाते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ कोमलता के साथ मिट्टी के दिए जो है चाक से बनाए जा रहे थे, और मिट्टी से क्या कुछ चीजें बनती हैं जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती है, फिर दीपावली पर इस्तेमाल की जाती है, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप ये देखिए ये भी मिट्टी से बनकर ही तैयार हुआ है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगी दूसरी तरफ भी मिट्टी के जो बड़े बड़े मटके हैं वो रखे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि जो ये मिट्टी के जो छोटे छोटे मटके बनाए गए हैं इसका क्या कुछ इस्तेमाल किया, दिवाली पर इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, ये व्रत आता है उनके लिए, व्रत के लिए, तो ये व्रत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पर जो गुल्लक रखी है ये तो बच्चों की है, गुल्लक उल्लक की बिकती नहीं, साथ ही चली जाती है दिवाली पे, तो साथ ही चली जाती है। हाँ जी, और इसका आपके पीछे मैं ये भी देखना चाहूंगी, देखिये ये भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो गोल गोल आपने रखे हुए हैं ये और वो, ये छोटे छोटे क्या ढक्कन बनाए गए हैं? ये ढक्कन है जिनके सामने, ये पेंट वाले नहीं ये जी। हाँ जी, इनके। और उसके अलावा ये जो है ये बड़े दीपक का इस्तेमाल होता है? हाँ, ये दीपावली का है, ये दिन के छोटे दीवे बड़े दीवे साथ जलेंगे, तो ये बड़े दीवे छोटे दीवे साथ जलाए जाते हैं। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो दिवाली आ रही है लगातार, जितनी भी दीपावली हर साल जब आती है, आपको क्या लगता है कि जो मिट्टी के दिए का प्रचलन है वो उसमें कोई कमी आई है या फिर उतना ही हर साल क्रेज साल उतना ही आता है, उतना ही क्रेज है लोगों में? हाँ, उतना ही है। तो यानी कि मिट्टी के दियो का क्रेज है, लोग अभी भी अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद है जी। तो आपका, आप कैसे इसको सेल करते हैं, क्या कुछ प्राइस आपको इसका मिलता है? सेल क्या करता है, हम ही खुद बेचते हैं जी ले जाके। आपने देखा होगा कि जब भी पूजा की जाती है तो पूजा में ये एक जो बड़ा दिया है ये चार मुखी दिया होता है, यहाँ पर आप इस दिए में बाती रखकर इस दिए को तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के बाद माता लक्ष्मी के सामने ये दिया रखा जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा आपके घरों में पूजा होती होगी, छोटे दियो के साथ इस बड़े दियो को भी रखा जाता है, और ये भी काफी प्रचलन में है। तो देखिए दीपावली पर ये दिया भी बनकर तैयार किया गया है, और कौन कौन सी चीजें हैं वो भी हमने आपको दिखाई। उसके अलावा आपको दिखाऊंगी ये सारे दिए फिलहाल यहाँ पर रखे गए हैं, और ये देखिए ये भी उसी प्रकार का दिया है, सब पर इस तरीके से डिजाइन बनाया गया है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये जो डिजाइन बनाया गया है इस तरीके के डिजाइन के साथ ये दिए तैयार किए जाते हैं, और भी तरीके के दिए हैं। हालांकि जब हिंदू का जो पर्व होता है और उसके अलावा इन चीजों का प्रचलन काफी ज्यादा होता है। ये चाक है, आपको मैंने पहले भी दिखाया, आप एक बार फिर से देखिए मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा देखिए ये सूखी मिट्टी है, ये सूखी मिट्टी है, और ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी को सुखाने के बाद दिए तैयार किए जाते हैं। और ये जो कंक्रीट आप इसमें देख रहे हैं ना, ये कंक्रीट बाहर निकाली जाती है और इस मिट्टी को सुखाने के बाद मिट्टी तैयार की जाती है, और उसके बाद ये मिट्टी तैयार होने के बाद इसमें पानी में भिगोकर इस मिट्टी को तैयार करके फिर उसके बाद चाक पे चढ़ाकर जो कोमलता से दीपक निकलते हैं यानी कि मिट्टी के दिए जो बनते हैं वो इसके बाद बनते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी दिखाना चाहूंगी, देखिए ये जो छोटी छोटी मटकियां हैं इनको लेकर भी देखिए ये बनाया जाता है, इसको कहते हैं ढक्कन, जो कि मटकी पर लगाया जाता है। और ये जो छोटे छोटे मटके बने हुए हैं ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इनके लिए ये भी इस तरीके के बर्तन भी तैयार किए जाते हैं, पूजा में काफी इस्तेमाल होते हैं ये। और उसके अलावा पूरा क्या कुछ वो बनाते हैं, कुमारों के मोहल्ले में आज हैं और हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी से क्या कुछ चीजें बनकर तैयार होती हैं, दीपावली के जो पर्व है उस पर वो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या कुछ मिट्टी से बनकर तैयार किया जाता है, चाहे वो दिवाली की हम बात करें या फिर और भी कई ऐसे पर्व होते हैं जहां पर हम मिट्टी के जो दिए हैं या फिर मिट्टी के जो और भी चीजें बनाई जाती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं जो यहाँ पर छोटी छोटी मटकी यानी कि जिनको कहा जाता है कुलिया रखी हुई है, दशहरे पर्व पर भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, दशहरे पूजन में ये काफी इस्तेमाल में आती है और सबके घर में प्रचलन भी है, सभी हिंदू जो परिवार के लोग हैं वो सभी इनका इस्तेमाल करते हैं पूजा के लिए, यानी कि दशहरे की पूजा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बनकर तैयार हुई है, देखिए दीपावली का पर्व है लेकिन सभी तरीके की मिट्टी की जो चीजें हैं उनको बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सब तरफ आप देख रहे हैं छोटी छोटी मटकियां रखी हुई है, एक बार फिर से आप इस पर नजर डालिए कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन मिट्टी की जो कुलियां हैं यानी कि छोटी मटकी है इनका इस्तेमाल किया गया है, इनको बनाया गया है खूबसूरती के साथ, और उसके बाद ये जो है पर्व पर इस्तेमाल की जाती, चाहे वो दशहरा का पर्व हो या फिर और भी कोई अन्य पर्व जहां पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखिए ये बता रहे छोटे छोटे खिलौने भी बनाए जाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत है, इसका इस्तेमाल किया, इसका क्या इस्तेमाल है? ये बच्चों के खिलौने है जी, बच्चों के खिलौने हैं, शीतला माता के मंदिर में बिकते हैं, शीतला माता मंदिर में बिकते हैं ये तो। और ये क्या है छोटा सा? चक्की बच्चों की,
बच्चों की चक्की। और ये छोटी छोटी चीजें क्या है? ये चक्की का पार्ट है। ये हुक्का है बच्चों का। ये देखिए, ये हुक्का भी है बच्चों का, छोटा सा हुक्का है। ये देखिए आप, ये छोटा सा हुक्का है, ये चक्की है, ये बच्चों के खिलौने हैं, ये छोटी सी मटकी है। ये मटका है। ये मटका है। हाँ जी। तो मतलब बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी मिट्टी के बनाए जाते हैं। हाँ जी, मिट्टी के खिलौने बनाए। तो क्या दीपावली पर बिकते हैं ये खिलौने, बच्चे खरीदते हैं? ये माता मंदिर में बिकते हैं। माता मंदिर में बिकते हैं। तो मतलब बच्चों के, देखिए ये बच्चों की खूबसूरती से बहुत प्यारे प्यारे ही यहाँ पे खिलौने बनाए गए हैं। इनका भी मिट्टी से ही ये बनाए जाते हैं और बच्चे बेहद फिर पसंद करते हैं बच्चे इनको बहुत। हाँ जी, बहुत ज्यादा खरीदते हैं बच्चे। बच्चे बहुत खरीदते हैं। देखो बिकते हैं ज्यादा। अब ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि देखिए बिकते हैं ज्यादा, सेट में बिकते हैं छोटे छोटे ये बच्चों के सामान जो है बनाए गए हैं। और इसका काफी प्रचलन है। देखिए जैसे अभी इन भाइयों ने भी बताया कि किस तरीके से ये मिट्टी के जो दिए हैं, ये छोटी सी चक्की है, ये चक्की का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी चक्की है। तो यहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन भी, यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन, छोटे छोटे खिलौने भी बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे भी कितने खुश होते हैं। अब ये देखिए बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा ये चूल्हा है, ये बच्चों के खेलने के लिए है। ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए ये चूल्हा भी बनाया गया और कितना बेहद खूबसूरत बनाया आपने ये। तो बच्चे क्या मतलब, जब बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं घर घर खेलते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी। तो इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए वो भी काफी मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं चीजों को देखने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए ही बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, जब आप छोटे थे तब भी आप ऐसे गुड्डे गुड़िया घर घर का खेल खेलते थे, तब ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मिट्टी के दिए का सफर कैसा रहा, किस तरीके से मिट्टी का दिया बनाया जाता है, लेकिन उसमें एक चीज है जो मिस हुई है, वो आपको बता देती हूँ। जो दिया जब बनकर तैयार हो जाता है, सूखने के बाद उसे भट्टी में डाला जाता है, जिसके बाद वो सूखता है, फिर उस पर लाल कलर किया जाता है, फिर वो बाजारों में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए मिट्टी के दिए के सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भट्टी की तरफ। देखिए अब हम जा रहे हैं एक बार फिर से उसी जगह पर, लेकिन किस तरीके से अब मिट्टी के दिए को भट्टी पर रखकर उसे सुखाया जाता है, फिर उसे कलर किया जाता है, वो जो पूरी प्रक्रिया है आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि मिट्टी का दिया कैसे बनकर तैयार होता है। और मिट्टी का दिया बनने के बाद फिर वो सूखता है। देखिए ये फिर से आपको दिखा दूं, यहां पर भी अलग से वही एक मिट्टी का, एक सीमेंट का बनाया गया, जिसके अंदर वो मिट्टी है, उसको पानी से गीला किया जाता है। और ये देखिए ये सूखी मिट्टी है। अब ये इसी ड्रम से बाहर निकल कर आई है, इसको हल्का सा सुखाया जाएगा, उसके बाद ये चाक पर चढ़ती है, उसके बाद मिट्टी का दिया बनाया जाता है। अब सबसे पहले आप इस पर नजर डालिए, ये वही भट्टी है जहां से जो पूरा प्रोसेस जब होता है ना, ये आखिरी एंड है, यानी कि जब तक आप दियो को इस भट्टी में नहीं डालेंगे, तब तक वो दिए पककर बाहर नहीं निकलेंगे और वो दुकानों तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि आपके घरों तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भट्टी है से मेन है, क्योंकि जो कच्चे दिए बनाए जाते हैं वो भट्टी में रखकर फिर उनको सुखाया जाता है, उसके बाद उस पर लाल कलर किया जाता है। जो अभी आप इसमें रख रहे हैं ये ऊपर से ऐसे सूख जाते हैं फिर अंदर रखने पड़ते हैं? नहीं, आले है ये भी, थोड़े सूख जाएंगे ऊपर से, आस आएगी ना। और ये जो आपने कलर इस पे कलर किया हुआ है? हाँ, कलर किया हुआ है लाल ली पे। और ये जो कच्ची सराइयां रखी हुई हैं? इन पे नहीं, इन पे आप लाल रंग आ जाएगा, इन पे खुद से लाल, मतलब भट्टी के अंदर डालने के बाद दिए पे लाल कलर लाल आ जाएगा ये। तो ये कितनी देर का प्रोसेस होता है आपका जब कच्चे दिए रात पकेंगे? पूरी रात पकेंगे। तो ये दिए बनाने के बाद मतलब आपको पूरी रात ही रखने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये सूखते हैं? हाँ, ये सुबह तक ये कत्ती पक्का तैयार हो जाएंगे। तो ये जब आप बाहर निकालते हैं उसके बाद भी कोई प्रोसेस होता है? नहीं नहीं, सब ठंडे हो जाएंगे इतने सुबह तक ये। तो उसके बाद कुछ लाल कलर इसमें किया जाता है? लाल कलर नहीं, लाल ऐसे ही लाल रंग आएगा इसका। अच्छा, मतलब ये जो दिए हैं ये जब भट्टी के अंदर जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो सेम ये कलर होता है जो दिख रहा है? ये कलर आएगा लाल वाला। तो ये लाल कलर अच्छा आ जाएगा जी। तो अभी ये गरम है दिए? नहीं नहीं, उठाकर देख सकते तो लगा रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके का आपने खांचा बनाया है, ये कैसे आप इस पे बनाते हो? ये इनका वो है एक। अच्छा, मतलब कुछ होता है ये डिजाइन बनाने के लिए? तो देखिए ये जो दिए पे डिजाइन बना हुआ है ना, ये भी एक अलग किस्म की कारीगरी है जो हमारे कुमार भाई यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। और ये एक बार इस पे नजर डालिए, ये जो भट्टी है इसमें देखिए ये जो दिए हैं ये अभी कच्चे हैं, इनको बनाया गया है इन दियो को, और इन दियो को बनाने के बाद ये जो दिए हैं कच्चे ये इसके अंदर जाते हैं, और ये दिए इसके अंदर जाने के बाद फिर ये दिए पकते हैं। तो यानी कि अभी जो आप ये कलर देख पा रहे हैं ये है कच्चा दिया जो कि सूख गया है, उसके बाद जो दिया है ये इस भट्टी में जाएगा और उसके बाद इसका कलर जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि ये आखिरी प्रक्रिया है दिए बनने के बाद, जब इस दिए को भट्टी में डाला जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये कलर है ये इस तरीके का कलर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जो आपके घरों में जो दिए जलते हैं काफी खूबसूरती से आप अपने घर को रोशन करते हैं, जगमग करते हैं, वो इन्हीं की मदद से आप अपने घरों को रोशन कर पाते हैं।
तो आपसे यही गुजारिश है, ये निवेदन है कि आप भी इन मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल करें और अपने घरों को रोशन करें और ये दिवाली बहुत अच्छे से खुशी से मनाइए। ये जो छोटे छोटे दिए हैं, मतलब जिसके ऊपर रखे गए हैं, ये ऊपर से पक जाते हैं, इसको अंदर करना पड़ता है इसके? नहीं, इसको दबाएंगे अभी। और तो मतलब ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, इसके ऊपर हाँ। आप दिए रख रहे हो, फिर उसके बाद फिर से उपले लगा? हाँ, उपले लगा कर फिर दबा देंगे इसको। और जो ये मटके हैं, इन मटकों का इसमें क्या रोल है? ये साइड में जो कि आग नहीं फैलेगी इससे। अच्छा, जो आग है वो बाहर ना निकले? बाहर नहीं निकलेगी, वो अंदर ही अंदर रहेगी आग। तो इन मटकों का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो आग है वो बाहर नहीं निकलती, इसलिए इस तरीके से मटके भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। और बहुत खूबसूरती के साथ ये दिए बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं जो ये भट्टी वाला जो प्रोसेस है, ये आखिरी प्रोसेस होता है। इसमें दिए जाते हैं, उसके बाद वो जो दिए हैं वो पक कर बाहर निकलते हैं, जिसके बाद आपके घरों में पहुंचते हैं और अपने घरों को रोशन करने के लिए आप इन दियों का, मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है, जो हमने आपको दिखाया है कि इस भट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसमें देखिए तसले के अंदर सबसे पहले ये बरूदा डाला जा रहा है, क्योंकि देखिए जब बरूदा डालते हैं तभी इसमें आग पकड़ती है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है, ये भैया करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बरूदे का इस्तेमाल करते हुए इस भट्टी में डालेंगे, और उसके बाद जो दिए रखे गए हैं वो आग में पककर तैयार होते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है इस भट्टी को लेकर, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बरूदा डालने के बाद ये तैयार होती है। आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपने अभी बरूदा डाला है इसमें? हाँ जी। इसका क्या इस्तेमाल होता है इसमें? इससे पकेंगे भी, मतलब इससे आग पकड़ती है? आग पकड़ेगी। और ये मतलब आग इसमें बनी रहती है ताकि काफी घंटों तक? तो काफी सुबह तक रहेगी। तो काफी सुबह तक रहेगी? हाँ जी। तो कितने घंटे में ये बनकर तैयार हो जाएंगे? 5-7 घंटे में तैयार है। 5-7 घंटे में तैयार है। इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस? नहीं नहीं, और कुछ नहीं इसमें। तो ये लास्ट ऑप्शन है कि इसके बाद आप लास्ट प्रक्रिया है, मतलब इसमें बरूदा डाल के आपने पूरे दियो का ढक दिया है? हाँ, पूरा ढक देंगे कती इसको। अच्छा, तो इसके अलावा जो जितने भी दिए हैं इसमें है, आप बताएंगे कितने सारे दिए हैं इस भट्टी में? इसके अंदर ये तो फिलहाल बड़े है, मतलब 5-7 हजार होंगे। 7-1 हजार दिए हैं? हाँ जी। तो ये 7-1 हजार दिए अब पककर तैयार हो जाएंगे? पक्का तैयार है ये। उसके बाद आप इसको मार्केट भेजेंगे? जहाँ पर मार्केट जाएंगे, जहाँ पर सेल होते हैं। हाँ जी। तो अब ये जो प्रक्रिया है, और इसके बाद दीपक बनकर जब तैयार हो जाता है, तो कहाँ पर आप इसको सेल करते हो? ये यहीं पे करेंगे, यहाँ पे कट्टे में बांध के गिन के सील कर देते हैं हम। सील कर देते हो? तो देखिए अभी आपको प्रोसेस बताया, ये आखिरी प्रोसेस जो कि भट्टी में जब हम लोग ये बरूदा डालते हैं, अब देखिए ये सारे दिए ढक चुके हैं, बरूदा इसके ऊपर है, और ढकने के बाद आप देखिए अब यहाँ से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी जो प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है। इसमें आग जो है पकड़ ली है दियो ने, और वो उसमें अब धीरे धीरे पकते रहेंगे। 7-8 घंटे का ये पूरा प्रोसेस होता है। अब 7-8 घंटे में ये दिए पकने के बाद फिर ये अब मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे जो कुमार भाई, उन्होंने भी ये बताया कि जो दियो का जो कलर है उस पर कलर नहीं किया जाता है, ये मट्टी में, यानी कि ये जो आग है, ये भट्टी है, इसमें ये खुद पककर ऐसे लाल कलर के हो जाते हैं, और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी खुद से ही अपना ये कलर चेंज करती है, क्योंकि जब ये आग में पकती है, इस दिए का हमने आपको कलर बताया कि किस तरीके से ये कुछ मटमैले जैसे मिट्टी होती है उसी कलर के दिए हैं फिलहाल, लेकिन जब ये इस तरीके से पक जाते हैं तो उसके बाद इनका कलर लाल हो जाता है। ये जो मटके आप देख रहे हैं, ये मटके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आग बाहर ना निकले, इस तरीके से इसको पूरी भट्टी को सजाया जाता है। कहने का ये भी काफी खूबसूरत नजर आ रही है, जो प्रोसेस है बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत के साथ इन मिट्टी के दियों को बनाया जाता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो माता जी हैं वो बरूदे से पूरी भट्टी को ढक रही हैं, और मेहनत देखिए इनकी, कितनी मेहनत करके आपके घरों को रोशन करने के लिए ये मेहनत की जा रही है। जिन मिट्टी के दियों को आप खरीद कर अपने घर को रोशन करते हैं, अपने टेरेस को रोशन करते हुए नजर आते हैं, दीपावली पर जो इस तरीके से खूबसूरती के साथ अपने घर को सजाते हैं, वो जो मेहनत है वो आप मेहनत देख सकते हैं, ये वो मेहनत है। तो ये जो दीपावली है, जो दिवाली का जो मौका है, जो पर्व है, आप इसको बेहद ही खूबसूरती के साथ मनाइए, लेकिन इस दिवाली को इको फ्रेंडली बनाइए, क्योंकि मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करिए, अपने घर को रोशन करिए, अपने घरों में एक जो ऊर्जा होती है मिट्टी के दिए जलने की, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो अपने घरों में लेकर आइए, और इस दीपावली के जो पर्व है उसको बेहद खूबसूरती के साथ मनाइए। इसी के साथ मेरी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।